ठीक है। और ये काम हमेशा इवेंट व्यूअर होता है, ठीक है। अपने आप ही एक्शन उसके सारे फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा स्टार्ट करते रहते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है, इवेंट व्यूअर राइट साइड आप देख सकते हो कि ओपन सेवेड लॉक, आपने कोई सेव किया है लॉक, मान लो कि हैकर हो या कोई भी हो, मतलब चलो मान लेते हैं कि हम कोई लोकल यूज़र है, लोकल यूज़र को पता चला कि मुझे ये लॉग है वो मुझे सेव करना है क्योंकि मुझे इसके बारे में और जानना है, तो जो भी सेव किया हुआ लॉग है वो ओपन कर सकते हो। यहाँ पर मैं बताऊँगा कि किस तरह से लॉग को सेव कर सकते हो। फिर क्रिएट कस्टम व्यू, ठीक है, यहाँ पर राइट साइड है, ठीक है, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो क्रिएट कर सकते हो आप कस्टम व्यू किस तरह से करना है, तो ये इसके बारे में आपको बाद में बात करूँगा। इंपोर्ट कस्टम व्यू कर सकते हो, कोई अपने उसकी फाइल जो यहाँ पर बनाई होगी तो इंपोर्ट कर सकते हो। कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है आपको तो आप कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके आपको एडवांस में जाकर फाइल नाउ पर क्लिक करेगा, तो वो क्या करेगा, पहले आपके सर्विसेज के अंदर जो होगी इंटरनेट वर्क की उसके अंदर फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद दूसरा कंप्यूटर ढूंढेगा, ढूंढने के बाद उसका यूज़र ढूंढेगा, दूसरा कंप्यूटर का यूज़र होगा तब वो कंप्यूटर के अंदर जाने की परमिशन लेने से पहले पहले यहाँ पर आपको बताएगा। फिर बाद में आपको यहाँ पर ओके करना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है, तब जाके दूसरे अनदर कंप्यूटर के अंदर सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं अभी लोकल हूँ तो लोकल के लिए ही रखूँगा। फिर व्यू है, व्यू आपको पता होगा, रिफ्रेश है, ठीक है, रिफ्रेश हम क्यों करते हैं क्योंकि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसा कोई सिस्टम के ऊपर लोड पड़ता है तो रिफ्रेश करने से वो सिस्टम जो है वो सर्विसेज है कोई भी हो वो स्मूथ हो जाती है, वो अच्छी तरह से काम करती है, ठीक है। जैसे कि ये तो आपको बोला था कि मैंने रिसेंटली व्यू नोट्स है, अभी मैंने कौन सा देखा व्यू, तो आप मॉडिफाई किया हुआ है, क्रिएट किया है, कुछ भी नहीं है एने का मतलब। और लॉग समरी है, ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि देखो ये माइक्रोसॉफ्ट लॉग। तो अब हम बात करेंगे कि इवेंट व्यूअर के लॉग किस तरह से चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकल जो है वो क्रिटिकल पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट आवर 0 है, 24 आवर 0 है, 7 डेज 0 है। क्रिटिकल मतलब इसके ये जो है प्रॉब्लम वाला कोई, क्रिटिकल मतलब खतरनाक कोई लॉग इसके अंदर मतलब काम किया हुआ है, क्रिटिकल मतलब उसको इससे सॉल्व नहीं हो रहा, इस कंप्यूटर से सॉल्व नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो एरर। एरर क्या होती है, जब भी हमारा सिस्टम जो होता है, मान लो कि मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, सॉफ्टवेयर के एरर आके भाई आपका 32 बिट नहीं चलेगा, ठीक है, आपका 32 बिट का सॉफ्टवेयर 64 बिट में चल जाएगा लेकिन 64 का बिट 32 बिट के अंदर नहीं चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि 32 बिट और 64 बिट क्या होता है उसके बारे में भी बात करूँगा। लेकिन मैं अभी मैं समझ देता हूँ, 32 बिट मतलब 32 बिट होते हैं और हमारा कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 बिट होते हैं उसके अंदर काम करता है, उस तरह 32 बिट होते हैं और 64 बिट जो होते हैं वो 32 बिट से 2 गुना ज़्यादा काम करता है, ठीक है, 2 गुना उसकी स्पीड अच्छी होती है और उसके अंदर फंक्शन भी अच्छी तरह से काम करते हैं और उसके प्रोसेसर भी अलग होते हैं, आप उस स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो 32 बिट और 64 बिट में ये दो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, हमारा जो सर्वर होते हैं वो 64 बिट में ही काम करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, ठीक है, तो IP वर्जन 4 क्या होता है, IP क्या होता है इसके बारे में भी आप बात करूँगा। तो IP जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है और वो प्रोटोकॉल हमेशा नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करेंगे, अब हम 32 बिट और 64 बिट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 32 बिट जो होता है वो हमारा सिस्टम के अंदर, जो मान लो कि मैंने यहाँ पर कंट्रोल पैनल, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं डिस पीसी के अंदर प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ आपकी, मैं आप देखो यहाँ पर देख सकते हो कि 64 बिट लिखा हुआ है यहाँ पर और 60 बेसेट प्रोसेट लिखा हुआ है, प्रोसेसर लिखा हुआ है, लेकिन 60 बेस का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है और 64 बेस का प्रोसेसर है, इन दोनों को सेम रखा हुआ है मैंने, ठीक है, लेकिन 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 64 बिट का प्रोसेसर है तो चलेगा, लेकिन 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 64 बिट का सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं, क्योंकि वो नहीं लोड उठा पाएगा, नहीं वो इसकी
फाइल जो है इसकी फाइल की टाइप है उसकी प्रकार उस प्रकार की नहीं है, इसकी वजह से होता है। यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखना है, यहाँ पर लॉग जो होता है, एरर जो होती है, वो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशन की सर्विसेज की एरर होती है, ज़्यादातर सर्विसेज और एप्लीकेशन की ही होती है। फिर कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है तो भी होगी, कोई अपडेट होता है ठीक है तो अपडेट भी, अपडेट का कोई प्रॉब्लम होता है तो भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई आपकी हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम है तो हार्ड डिस्क खराब हो जाती है या तो फिर कोई पार्टीशन बिगड़ जाता है। यहाँ पर देख सकते हो कि पार्टीशन के बारे में, यहाँ पर कोई पार्टीशन बिगड़ जाता है या तो फिर कोई फाइल ओपन नहीं हो रही, एरर दिखा रहा है, तो सारा का सारा डेटा जो क्या एरर में चला जाएगा। एरर मतलब गलत, एरर का मतलब है प्रॉब्लम, इतना समझ लो तो शॉर्ट में ठीक है। और उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करवाना होगा, वरना वो प्रॉब्लम ही रहेगी हमेशा आपके सिस्टम के अंदर। जैसे कि एरर जो है ठीक है, मैं आपको बताने के लिए सिर्फ ये इवेंट व्यूअर बता रहा हूँ, ये विंडोज डिफेंडर है ठीक है। मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ, छोटा सा अपडेट। देखो ये जो है ठीक है, ये एक एरर आई, क्या एरर है तो, और एरर क्या होती है, एरर का निशान हमेशा क्रॉस लाइन की तरह होगा और पीछे रेड लाइन का बटन होगा। हमेशा याद रखना कि एरर मतलब गलत है, प्रॉब्लम है, सिस्टम आपको बता रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो आपको इसको ठीक करने के लिए उसका सही आपका रास्ता पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बात आती है एरर के बारे में ठीक है। अब एरर इवेंट है, इवेंट आईडी है, इवेंट की आईडी क्या होती है, जो जो इवेंट होगा अलग अलग उसकी अपनी आईडी होगी। जैसे कि हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 ठीक है, तो यहाँ पर इवेंट की आईडी 0 से शुरू होती है और 0 को 1 बोला जाता है, फिर 1 आएगा तो 2 होगा, फिर 2 है तो 3 होगा ठीक है। तो हमेशा 0 हमारा कंप्यूटर समझता है 1। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इवेंट की आईडी जो होती है वो अलग 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 इवेंट की आईडी होती है। और मैंने आपको बोला था कि कंपोनेंट जो होता है, हर एक कंपोनेंट जो होता है, जैसे कि माउस है ठीक है, ये मैंने कीबोर्ड से की प्रेस की, फिर मैंने नेटवर्क है, तो हर एक की अपनी अपनी आईडी होती है और उस आईडी के हिसाब से ये हमारा जो कोई भी कंप्यूटर का सर्विस का प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर इवेंट व्यूअर इसी आईडी के थ्रू आपको बताता है कि यहाँ पर आपका प्रॉब्लम हो रहा है। और उसका पता आपको आईडी नहीं पता चल रहा तो आप देख सकते हो यहाँ पर ठीक है, एरर पर क्लिक करो, एरर के अंदर पे भी दूसरा बताता हूँ सोर्स क्या होता है। सोर्स वो चीज़ होती है जो हमारा सिस्टम के अंदर उसका मेन बेस है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप मोबाइल है, आप मोबाइल के अंदर आपका सिम कार्ड अटैच है और आप कॉल कर रहे हो, तो आपका मोबाइल तो है ठीक है, लेकिन वो मोबाइल के अंदर सिम कार्ड जो है वो कनेक्ट करता है आपके टावर के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ठीक है, उस कंपनी के टावर के थ्रू। लेकिन वो मैं सिम कार्ड ही निकाल लूँगा तो आप कैसे कॉल करोगे, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आपका सोर्स जो है मेन वो सिम है, सिम निकाल कर फेंक दोगे और आप कॉल करोगे तो कॉल नहीं लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर उसकी फाइल्स वगैरह को सोर्स ठीक है, तो यहाँ पर कर्नल एवं ट्रेसिंग की यहाँ पर एरर आई है ठीक है। यहाँ पर सोर्स की बात करो तो पता चल जाएगा यहाँ पर कर्नल की प्रॉब्लम आई है। और जो लॉग है, वो लॉग क्या होता है, हमेशा मैंने कहा था कि लॉग जो इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लॉग है और ये लॉग जो है यहाँ पर उसने मुझे बता दिया है एडमिन ठीक है। तो ये जो एडमिन था, एडमिन यूज़र है और यहाँ पर इस माइक्रोसॉफ्ट विंडो की यहाँ पर कर्नल इवेंट की ट्रेसिंग की एरर आई है, मुझे पता चल जाएगा कि एडमिन से लॉगिन हुआ था। तो आप टाइम की बात आती है तो 24 घंटे में वो कितने घंटे तक, तो एक घंटे के अंदर 7 दिन में, मतलब 5 दिन हो गए उसके ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा एरर के बारे में बता देता हूँ, लेकिन आप कहोगे कि ठीक तरह से आपको पता नहीं चल रहा, तो आपको बताने के लिए मुझे डायरेक्टली मैं यहाँ पर ठीक है विंडोज लॉक पर क्लिक करूँगा ठीक है, एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हो एरर। अब यहाँ पर भी आप अपन कर सकते हो, ये दूसरी तरह की एरर होती है।
ये एरर जो है ये एप्लीकेशन की एरर है। कौन सी? एप्लीकेशन की एरर। और एप्लीकेशन की एरर क्यों होती है? क्योंकि कोई एप्लीकेशन होती है तो कोई सॉफ्टवेयर होता है, कोई प्रोग्राम होता है, वो जैसे ही आप क्लिक करते हो वो एरर देता था कि भाई ये इसकी सॉफ्टवेयर की सिस्टम की सर्विसेज नहीं चलेगी आपके कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर पर नहीं चलेगी तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई सर्विस या तो कोई फाइल या तो कोई उसकी जो सिस्टम की जो मेन रिक्वायरमेंट जो फाइल होती है या तो कोई भी होती है तो वो रिपोर्ट करेगा आपको। और वो रिपोर्ट जैसे ही आपको करेगा तो यहाँ पर भी वो रिपोर्ट क्या कोई सेव हो जाएगी, मतलब वो यहाँ पर लॉक सेव हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैं आप देख सकते हो यहाँ पर डेट दिया हुआ है, सोर्स है ये सिक्योरिटी SSP के नाम की कोई सोर्स है फाइल्स है, और इवेंट ID मुझे दिया हुआ है, और यहाँ पर टास्क कैटेगरी तो कुछ भी नहीं है, टास्क किया था ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद कोई टास्क नहीं किया था इसने, तो यहाँ पर वो लॉग बता रहा है, एरर दिया हुआ है, एरर की लॉग है। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम, किस दिन वो किस टाइम पर उसने सिक्योरिटी की एरर दी थी, तो 6 बज ठीक है 6 तारीख अक्टूबर 2018 को 1:35 और 23 सेकंड को दोपहर को, ठीक है पता चल जाएगा यहाँ पर आप। फिर क्या होगा कि हमारे सिस्टम के अंदर जो एरर तो हो गई है, लेकिन उस एरर के अंदर किस वजह से एरर दी थी, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर जैसे ही मैंने फर्स्ट एरर पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेल, कुछ फेल हुआ है शेड्यूल के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोटेक्शन लिखा हुआ है सर्विसेज के, कुछ फेल हुआ है शेड्यूल सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन के अंदर, और वो सर्विस जो किसके अंदर रिस्टार्ट बोल रहा था, और यहाँ पर इसका एरर का कोड आया है ठीक है। हर एक का एरर कोड होता है, ध्यान रखना हर एक एरर का अपना कोड होता है, वो एरर कोड से ही आप पता चल, और ये कभी भी जो है आपके सिस्टम की वीकनेस होती है, आपकी वल्नरेबिलिटीज होती है, और सिस्टम की वीकनेस जो होती है हमारी वो हैकर की बन जाती है ताकत, क्योंकि वो वीकनेस को ढूंढ लेगा और वही वीकनेस आपकी सिस्टम के अंदर वो यूज़ करेगा आपके सिस्टम को हैक करने के लिए ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी आपकी एप्लीकेशन वो इंस्टॉल करता है तो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गए और आपको लगता है कि मेरा कंप्यूटर नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा है तो उसको बंद कर दो, नेटवर्क से बंद निकाल दो ओके, इंटरनेट से आप कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाओ, और उस इंटरनेट डिसकनेक्ट होने के बाद आप उस चीज़ को फाइंड करो, ढूंढो कि कौन सी एप्लीकेशन, जो कोई भी हो सकता है हैकर, आपका फ्रेंड हो सकता है कोई भी ठीक है, हैकर का काम ही होता है कि चोरी करना, चोरी करने वाला आदमी कोई भी हो सकता है ठीक है। यहाँ पर लॉक का नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लॉक जो है एप्लीकेशन, तो कोई एप्लीकेशन थी जो प्रोटेक्शन सर्विस की बात करते रिस्टार्ट ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर सोर्स लिखा हुआ है, सिक्योरिटी SSP लिखा हुआ है सोर्स, इवेंट ID लिखा हुआ है, लेवल कौन सा थे एरर था ठीक है, लेवल मतलब प्रॉब्लम, और यहाँ पर यूज़र कोई बताया हुआ नहीं है ठीक है। OP कोड है, इंफॉर्मेशन 0 है, यहाँ पर इवेंट लॉग ऑनलाइन हेल्प दे सकते हो आप यहाँ पर, फिर यहाँ पर लॉग लिखा हुआ है तो फिर उसका टाइम बताया हुआ है, जब भी वो लॉग इन हुआ था तब, तो मैं लॉग इन हुआ था यहाँ पर इस टाइम पर, देखो मैं बोला था यहाँ पर 6 तारीख है, जैसे कि मैंने आपकी विंडो डिफेंडर बताया था, देखो यहाँ पर फिर से मैं अपडेट करूँगा तो यहाँ पर फिर से एक लॉग आ जाएगा, फिर से लॉग आ जाएगा देखो, तो यहाँ पर आप लॉग आ जाएगा देखो, फिर से लॉग आ जाएगा ठीक है, रिपोर्ट कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू, देखो 139 देखो यहाँ पर ये लॉग आ गया, कौन सा टाइम बता रहा है 139:53 अभी 140 हुआ है ठीक है। तो ये जो है लॉग हुआ, जो कोई भी एरर होगा वो यहाँ पर बता देगा ठीक है। इससे आपको दो फायदे होते हैं, पहले आपका कोई चीज़ आपको पता नहीं है ठीक है, आपका बैकग्राउंड में मान लो कि आपको लॉग करके चले गए और एरर आई और पता चलता है कि एरर किसकी आई थी किसकी नहीं आई थी, वो प्रोग्राम चलनी है तो आप इवेंट व्यूअर ओपन करके उसको ढूंढ सकते हो ठीक है। फिर दूसरी चीज़ वो है जो आपको इथिकल हैकिंग में काम आएगी, तो इवेंट व्यूअर में भी, इवेंट व्यूअर वो भी बहुत ठीक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवेंट व्यूअर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है। तो यहाँ पर
ये जो लॉग है मुझे सेव करना है तो सेव कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेव सेव पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो सेव करूँगा। और हमेशा इवेंट व्यूअर का जो टैब होता है, मैंने कहा था कि एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, पिछली वीडियो में आपको बात की थी मैंने। तो एक्सटेंशन वो होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर अलग अलग आईडी जो होता है वो एक्सटेंशन के थ्रू हमारे उस फाइल की आईडी पहचानता है। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, और एंटर मार देता हूँ। फिर वो पूछेगा कि डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन किस तरह की होनी चाहिए, तो ये ठीक है, इस तरह का सेव हो जाएगा। मैंने सेव कहाँ किया था, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैंने म्यूज़िक के अंदर सेव किया था, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह की फाइल हो जाएगी, ठीक है। तो ये फाइल जो जैसे मैं क्लिक ओपन करूँगा तो वो इवेंट व्यूअर के अंदर ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पर ओपन हो गया, मैंने लॉक क्या किया था, सेव जो सेव किया था वो मैंने ओपन किया। यहाँ से भी ओपन कर, यहाँ पर भी आप दूसरा जो मैंने बोला था कि ओपन सेवर लॉग पे क्लिक कर सकते हो, तो मैंने म्यूज़िक के अंदर सेव किया था और यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ओपन किया फिर से, तो ये चीज़ होती है। और जो भी सेव होगा तो इस सेव लॉग के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो सेव लॉग के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर जो आप देख सकते हो लेफ्ट से सर्वर रोल्स होते हैं, तो सर्वर रोल्स क्या होता है, वो सर्वर जब आप सीखोगे तब पता चलेगा। सर्वर रोल इतना समझ लो कि सर्वर रोल्स वो चीज़ है जैसे कि मान लो कि मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर का डेटा, सॉफ्टवेयर की फाइल। तो सर्वर का जो सर्विस की फैसिलिटीज होती है, DNS होता है, डोमेन क्रिएट करना होता है, अलग अलग उसको सर्वर को बनाने के लिए, तो उसके रूल्स होते हैं। उस रूल के अंदर वो सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आज विंडोज 2008 रिलीज 2 के अंदर से ही सर्वर रूल्स इनबिल्ट आते हैं। बाकी पहले आपको स्पेशली CD/DVD लगानी पड़ती थी, लेकिन सर्वर रूल्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, इसको जाने दो अभी। तो यहाँ पर आप विंडो लॉक के अंदर जाएंगे एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये जितने भी एरर होगी वो एप्लीकेशन के थ्रू होगी, जितने भी एप्लीकेशन होगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो, यहाँ पर लेफ्ट साइड यहाँ पर एरर है। तो ये एप्लीकेशन के लिए ये अस्त्र अलग लोगो है, यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर एरर है। इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी, एरर की रिपोर्ट, यहाँ से भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर फॉल्ट बकेट टाइप 0, इवेंट का नेम दिया हुआ है PNP ड्राइव डॉन्ट फाइंड, कोई ड्राइव थी PNP नाम उसने फाउंड नहीं की। और रिस्पॉन्स क्या मिला उसको, नॉट अवेलेबल, ठीक है। कैब ID 0 है उसका। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉब्लम सिग्नेचर बताया हुआ 64 बिट के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसका PCI बताया हुआ है, प्रोसेस ID। फिर यहाँ पर अटैच फाइल जो है वो ये फाइल है, ठीक है। और टेम्प फाइल के अंदर ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेट की हुई है, ठीक है। ये फाइल सारी यहाँ पर इस तरह की सेव हो जाएगी यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर। देखो यहाँ पर आपको सी प्रोग्राम के डेटा अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर, फिर वेयर लिखा होगा, वेयर के अंदर रिपोर्ट क्वेर होगा, यहाँ पर नॉन क्रिटिकल यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है। तो आपको बताना चाहता हूँ तब किस तरह से फाइंड करोगे, तो यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर फिर इसको कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे कॉपी करोगे तो विंडो R प्रेस करना है आपको, विंडो R, फिर विंडो जिससे ओपन, तो यह रन कमांड ओपन होगा, ठीक है, रन विंडो ओपन होगा, इसको रन विंडो कहते हैं। ये फास्ट होता है और वेरी आपको डायरेक्टली उसी जगह पर पहुंचा देगा। फिर Ctrl+V ओपन करो, यहाँ पर एंटर करोगे तो वो दूसरी एरर आई, देखो दूसरी भी एरर आई। तो ये जो ये एरर आई है, ये एरर का भी क्या होगा, इसका भी लॉग हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे कि ये अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से सेटिंग्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसके पार्ट में के क्या होता है, यहाँ पर किस तरह की सेटिंग्स करना चाहिए हमें और कितना हमें फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।